दोस्तों लोक सेवा आयोग की तरफ से देखिए 22 दिसंबर को ये नोटिस जारी की गई थी, जिसमें लोक सेवा आयोग ने बताया था कि प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज और PCS 2024 का विज्ञापन शीघ्र किया जाना है और आप लोगों को OTR करने की सलाह दी गई थी कि अपना OTR रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लें। तो PCS 2024 का विज्ञापन जारी हो चुका है, आवेदन भी 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो चुके हैं। अब बारी है प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज के विज्ञापन की। तो ये जो विज्ञापन दोस्तों शीघ्र ही जारी होगा, संभवतः इसी जनवरी के अंत तक ये विज्ञापन जारी हो जाएगा। अगर किसी कारण से नहीं जारी हो पाता तो फरवरी में तो 100% ये विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल बहुत सारे छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेजों में अब कैसे भर्ती होगी, क्योंकि इसकी प्रक्रिया बदल चुकी है। 2020-21 में जो भर्ती हुई थी उसकी प्रक्रिया अलग थी, 2024 की भर्ती में प्रक्रिया अलग होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही सारी जानकारी दे रहा हूँ कि ये जो भर्ती कैसे होगी, इसका परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे यहाँ पर मेरिट बनेगी। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको नोटिस दिखा रहा हूँ जो कि जनवरी 2021 में जारी की गई थी, जब पिछला GDC प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था और उसका परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर नोटिस जारी की गई थी। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2020 जो है 17 अप्रैल 2021 को आयोजित करी गई थी पिछली बार की, उसके बारे में जानकारी दी गई है। 2 घंटे का यहाँ पर पेपर हुआ था, ठीक है। अब जब पेपर हुआ था 2 घंटे का, इसमें जो पैटर्न था वो समझ लीजिए। तो देखिए बाकी जो 18 विषय थे उसका पैटर्न अलग था और गणित का पैटर्न अलग था, मतलब 17 विषयों का जो पेपर है वो एक जैसा हुआ था और गणित का पेपर जो है वो अलग तरीके से हुआ था, उसको समझना आपको ज़रूरी है। तो उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि यहाँ पर देखें अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, जंतु विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भूगोल, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान, राजनीति शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, संस्कृत तथा हिंदी, इन विषयों के बारे में बताया गया था कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के 120 प्रश्न यहाँ पर रहेंगे, जिसमें 90 प्रश्न आपके जो होंगे संबंधित विषय के होंगे, ठीक है, और 30 प्रश्न जो होंगे सामान्य अध्ययन के रहेंगे। ये 17 विषयों के बारे में बताया गया था, ठीक है, जो विषय मैंने आपको बताए। बाकी एक विषय और था जो गणित विषय था, गणित विषय का पैटर्न अलग था। गणित विषय में देखिए बताया गया था कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न रहेंगे, जिसमें गणित विषय के 70 प्रश्न रहेंगे और सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न रहेंगे। तो ये इतने क्वेश्चन थे, GS और सब्जेक्ट ही पूछा गया था पिछली बार इस भर्ती में। और यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स था यानी पूर्णांक जो था 120 प्रश्न बाकी विषयों में थे, गणित में थे 100 प्रश्न, लेकिन सभी विषयों का जो पूर्णांक था वो 150 नंबर का था, ठीक है, और सभी के अंक समान थे। तो यहाँ पर देखिए आगे बताया गया था कि ये जो भर्ती है केवल स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगी, लेकिन आपको बता दें यहाँ पर स्क्रीनिंग परीक्षा केवल क्वालिफाइंग था, केवल क्वालिफाइंग था, मेरिट में उसके मार्क्स नहीं जोड़े गए थे। लेकिन अब जो भर्ती परीक्षा होने वाली है 2024 में, इसमें आपके स्क्रीनिंग के मार्क्स भी जोड़े जाएंगे, इसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के मार्क्स भी जोड़े जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये 31 दिसंबर 2023 का अमर उजाला का न्यूज़पेपर है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इसको, जहाँ पर देखिए बताया गया था कि अब 6 भर्तियाँ स्क्रीनिंग परीक्षा व साक्षात्कार से होंगी। इसमें देखिए बताया गया कि यूपी लोक सेवा आयोग ने बड़ा बदलाव करते हुए तय किया है कि सीधी भर्ती में अब स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जुड़ेंगे। 6 प्रकार की भर्तियाँ स्क्रीनिंग परीक्षा व साक्षात्कार से होंगी, सिर्फ साक्षात्कार से 9 भर्तियाँ होंगी। तो जो 9 भर्तियाँ केवल इंटरव्यू से होंगी वो यहाँ पर आपके सामने दी गई हैं, लेकिन जिसमें स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू दोनों होगा उसके बारे में यहाँ पर देखो नीचे दिया गया है, लिखा हुआ देखिए कि आयोग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार
कुछ भर्तियां केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होनी है, कुछ लिखित व साक्षात्कार से, जबकि कुछ पदों पर चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू के आधार पर होना है। आगे लिखा हुआ है कि स्क्रीनिंग और साक्षात्कार से जो भर्तियां होंगी उसमें स्क्रीनिंग के 75% अंक और इंटरव्यू के 25% अंक मेरिट में जोड़े जाएंगे। इन भर्तियों में देखो लिखा है सहायक रेडियो अधिकारी और प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज। देखो यहाँ पर आ गया प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज। इसके अलावा और भी जैसे खनन अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, यूनानी व आयुर्वेदिक मेडिकल अधिकारी के पद हैं। इन पर अभी स्क्रीनिंग परीक्षा से भर्ती होती थी पर अंक नहीं जोड़े जाते थे। देखो यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीनिंग परीक्षा से भर्ती होती थी लेकिन स्क्रीनिंग परीक्षा के मेरिट में अंक नहीं जुड़ते थे, चयन केवल इंटरव्यू के अंकों के आधार पर ही होता था। स्क्रीनिंग जो है छटनी के लिए एक परीक्षा होती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब स्क्रीनिंग परीक्षा के भी मार्क्स आपके मेरिट में जोड़े जाएंगे और इंटरव्यू तो होगा ही होगा, इंटरव्यू के भी मार्क्स जोड़े जाएंगे। तो स्क्रीनिंग परीक्षा का जो है 75% मार्क्स मेरिट में जुड़ेगा और इंटरव्यू का 25% मार्क्स मेरिट में जुड़ेगा। इन दोनों को मिलाते हुए आपकी कंबाइंड मेरिट बनेगी, ठीक है, और इसी मेरिट के आधार पर यहाँ पर आपका चयन होगा। कहने का मतलब है अब आपको जो है मेरिट में आने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा पर सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। पहले पूरा दारोमदार था इंटरव्यू पर, एक बार स्क्रीनिंग परीक्षा की क्वालिफाई हो गई, इंटरव्यू में अगर आपका अच्छा मार्क्स आ गया तो आपका सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन अब यहाँ पर 75% जो वेटेज है वो आपका स्क्रीनिंग परीक्षा का रहेगा। तो स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए आपको जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं कि आखिर जो ये राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता की भर्ती है इसमें सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि हर विषय का सिलेबस अलग है, जीएस का सिलेबस अलग है, तो सिलेबस क्या रहेगा, कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है आपको। तो मैं दिखा रहा हूँ सिलेबस क्या है, बाकी आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिंड कमेंट में, जहाँ से आप हर विषय का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो पैटर्न आपके सामने है, स्क्रीनिंग परीक्षा आपकी बार क्वालिफाइंग नहीं रहेगी, ठीक है, आपको मार्क्स यहाँ पर लाने पड़ेंगे, 2 घंटे का टाइम रहेगा आपको। और यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने बताया कि मैथ को छोड़ करके बाकी जो विषय रहेंगे उसमें 30 नंबर का जीएस रहेगा, 90+ सब्जेक्ट के आएंगे, 150 नंबर का पूर्णांक होगा और मैथ के लिए जीएस 30 नंबर ही रहेगा, लेकिन मैथमेटिक्स के 70+ नहीं यहाँ पर आएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये आपको सिलेबस दिख रहा होगा, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पर है जो पिछली बार 2021 में जिसका विज्ञापन जारी किया गया था। सामने जितने सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इतने ही सब्जेक्ट की वैकेंसी आई थी, वो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इस पेज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में दिया है, यहाँ पर सभी विषयों का सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे विषय के ऊपर आपको लिंक मतलब खुल जाएगा पेज, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो जीएस का सिलेबस है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जीएस 30 नंबर की आती है, तो जीएस में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। GovernmentJobCenter.com पर इसका लिंक एक्टिवेट है, बाकी आप सर्च करेंगे UPPSC GDC लेक्चरर सिलेबस 2021 तो भी हमारी वेबसाइट ही आपको गूगल पर सबसे पहले मिलेगी, वहाँ से आप लोग जो इसको देख सकते हैं। अब जो लोग यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानना चाहते हैं उनको बता दूं कि यहाँ पर अगर आपको शामिल होना है इस भर्ती में तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए कम से कम 45% मार्क्स के साथ, 45% मार्क्स का तो आपका बैचलर डिग्री होने चाहिए। इसके अलावा मास्टर डिग्री में कम से कम आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा नेट या स्लेट या सेट एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में स्लेट होता नहीं है, सेट होता नहीं, तो केवल आपका यहाँ पर नेट होगा तभी आपको यहाँ पर चलेगा। बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए पीजी में 50% जरूरी है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 55% है, यानी 5% की छूट मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो जानकारी मैंने दिया है आपको पसंद आई होगी, इसी तरह की जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से शिक्षक भर्ती की सारी अपडेट आपको मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।